वाह हो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम रिव्यू करने वाले हैं बिग बॉस सीजन 12 का एपिसोड नंबर 80। माइंड ब्लोइंग फैंटास्टिक 80 एपिसोड्स मेरा भाई। जब मैंने रिव्यू शुरू किए थे, मुझे नहीं पता था क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्या आप लोगों की प्रतिक्रिया होगी, क्या मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा। लेकिन जितने भी लोगों ने सपोर्ट किया, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मैं भी एक आम इंसान हूँ आप लोगों की तरह। मेरे ओपिनियंस को अपना ओपिनियंस बनाना, मेरी हर एक बात को गलत साबित करना, सही साबित करना, उस पर एक प्रतिक्रिया देना, चाहे वो गलत हो या सही हो, आप लोगों ने हर एक वीडियो को एक स्पेशल वीडियो बनाया है। एंड दिस जर्नी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। स्टार्ट हुई सलमान भाई की वजह से, क्योंकि सलमान खान ही वो वजह है जो मुझको बिग बॉस का रिव्यू करने में मजबूर किया। आई वॉन्टेड टू शो पीपल कि वाई सलमान खान इज द मेगा स्टार फॉर अ रीजन। उनका जो टीवी शो है, जो लोग साबित करने के लिए बैठ जाते हैं कि सलमान खान बिग बॉस करता है, फ्लॉप है, ये है, वो है, मैंने आपको हर वीक के टीआरपी लाके दिए, हर वीक के टीआरपी लाके दिया आप लोगों को, ये दर्शाने के लिए कि वो केबीसी को भी एक हफ्ते बीट कर चुका है। सलमान खान इज नॉट अ फ्लॉप ऑन टेलीविजन, ही इज अ मेगा स्टार एंड अ मेगा स्टार फॉर अ रीजन। ये एक इकलौता कार्य है, एक लौता कारण है कि मैंने बिग बॉस के रिव्यूज करना शुरू किया, जस्ट टू प्रूव माय पॉइंट कि सलमान खान इज अ ब्लॉकबस्टर ऑन बिग स्क्रीन एज वेल एज स्मॉल स्क्रीन। ये दीपक ठाकुर, सोमी, ये सुरभी, ये टुच्चे ठुल्ले लोग जो ये बिग बॉस के घर में है ना, इनकी कोई स्टैंडर्ड, इनकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे जिंदगी में, ना ही ये कभी जिंदगी में मेरे कोई महत्व रखेगी। दे आर इन द शो, मेरे को दीपक ठाकुर जैसे ठुल्लों के बारे में बात करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि यहां पर मुझे सलमान खान के लिए बिग बॉस का रिव्यू करना पड़ता है। दीपक ठाकुर, जब तुम शो से बाहर आओगे ना, तब तुमको मुंबई ही आना पड़ेगा, तेरे को मुंबई आना पड़ेगा गाना गाने के लिए। तुझे जो आवाज का जो अंदर खरमंडल लेके बैठा है ना, गायक समझता है अपने आप को, सिंगर है तू, है 5 हफ्ते तेरे मुंह से तो कुछ निकला नहीं, अपने आप को सिंगर समझता है, पूरा जिंदगी बिग बॉस नहीं चलने वाला दीपक ठाकुर। एट द एंड ऑफ द डे यू गोना स्ट्रगल इन लोखंडवाला अंधेरी फॉर सिंगिंग असाइनमेंट। अनुराग कश्यप खुद बर्बाद हो गया है, अनुराग कश्यप की खुद के लग चुके हैं, उसकी खुद की कोई नहीं है, तो क्या लगता है गैंग्स ऑफ वसीपुर तेरे लिए बार बार बनेगी, तेरे को गाने गाने के लिए लोग मुंबई में बुलाएंगे। हाँ, तेरे वहां तेरे को लोग बुलाएंगे गाने गाने के लिए, तू गा लिए वहां पे अपने हीरो लोगों के लिए, निरहुआ के लिए गा ले, उसके बाद जाके रवि किशन के लिए गा ले, वहां तो गाने मिलेंगे, लॉलीपॉप लागे लू, वो गा ले वहां जाके गाने तू जाके। बेटा तुम्हें अंत में मुंबई आना है, और तेरे से एटीट्यूड को, तेरे से इंसान के बिहेवियर को, हाँ तूने मराठी बिग बॉस के विनर के ऊपर लालचन उठाई है, तेरे को लगता है तू मुंबई आएगा तेरे को लोग काम देंगे, हैं? अबे जा बे, जहां से आया है ना वहीं जाएगा बेटा, ये बात याद रख लेना। और उसके जितने भी फैंस है जो उछल रहे हैं, कूद रहे हैं दीपक ठाकुर, अब मैं वो घंटा फर्क नहीं पड़ता बे, दीपक ठाकुर इज अ नोबडी मैन, ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, NOBODY, दिस शो इज सलमान खान एंड नथिंग एल्स फॉर मी, टेक इट फ्रॉम मी, अंडरस्टूड। लेकिन फिर भी हमने भैया के लिए वोट कीजिएगा, अब बहुत गरीब है। कम ऑन गाइस, आज का एपिसोड शुरू करते हैं, अभी तो मैंने शुरू किया है, खत्म भी मैं ही करूंगा। वन मैन आर्मी, वन मैन आर्मी, मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं और तुम्हारा कुछ बचेगा नहीं, याद रखना। क्योंकि यहां पे है ना, मैं यहां पे पैसों के लिए नहीं आया हूं, बिग बॉस मेरा घर नहीं चला रहा, पूरा दिन मैं काम करके बिग बॉस है ना मेरे मजे के लिए करता हूं रिव्यू, समझ में आया? पूरा दिन तुम लोग बैठ के ट्विटर पे आज किए हो ना, इससे तुम्हारा घर चलता है, मेरा नहीं। आई केयर अ फक अबाउट दैट, ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, यू आर गिविंग मी पब्लिसिटी, और दो बिग बॉस खत्म होने के बाद आई एम नॉट गोना सी दिस शो अगेन, समझ में आया? तुम्हारी जिंदगी वहीं पर खत्म हो जाएगी बिग बॉस में, मेरी लाइफ चलती रहेगी, मेरा यूट्यूब चलता रहेगा। डूड, आई एम नॉट यर स्टैंडिंग विद सो मच सब्सक्राइबर्स बिकॉज ऑफ बिग बॉस सीजन 12, समझ में आया? चलिए एपिसोड शुरू करते हैं, विद स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। वेल फ्रेंड्स, श्रीशांत फटीचर है,
फॉर टीचर रोहित सुनचाटी लॉस्ट बॉय प्रोडक्शंस। बड़ा आज का एपिसोड ना, काम करना, जितने भी जो फालतू बैठे हैं ना बिग बॉस के सब ट्विटर अकाउंट्स लेके, आज का एपिसोड उसको टैग कर देना। क्या नाम है उसका वो, क्या नाम, विकास गुप्ता, टैग करना उसको बेटा। विकास गुप्ता को आज का एपिसोड टैग कर देना, ठीक है? चल विकास गुप्ता को टेक हिम ऑन, कम ऑन। श्रीशांत फटीचर है, श्रीशांत ऑलमोस्ट, श्रीशांत और रोहित सुनचाटी फेस टू फेस आ जाते हैं, ऑलमोस्ट फैंटास्टिक, दोनों एपिसोड टच कर देते हैं। और तीनों जो जोकर है, जोकर नंबर वन दीपक ठाकुर, जोकर, जोकर ऑफ द मिलेनियम, जोकर ऑफ द हाउस, द बिगेस्ट जोकर इन द कंटेस्टेंट हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस सीजन 12, जितने भी उसके फैंस है तुम सारे के सारे जोकर्स हो, यू आर जोकर्स ऑफ द यूनिवर्स। और कुछ सुनना है, सुनोगे और सुनोगे, धमकी देना आता है, दीपक ठाकुर के फैंस धमकी देते हो, हैं? सुनो आज के दिन, दीपक ठाकुर जोकर ऑफ द यूनिवर्स, सुरबीर राणा एग्नी आंटी, रोहित सुनचाटी विकास गुप्ता के ऑफिस में चाय बेचने वाला ठुल्ला, यहां पर दीपिका को किस तरह से टॉर्चर किया उन लोगों ने, क्यों? तुम लोगों को कल बहुत बुरा लग गया, मैंने दीपक ठाकुर के बहन के बारे में बातें कर दी, क्यों तुम लोगों को बुरा नहीं लगा जब दीपक ठाकुर यहां पर मेघा धड़े और जस्टिन मथारू की वाट लगा रहा था? तुम लोगों को बुरा नहीं लगा? तुम लोग को मैं एक नीच इंसान लग रहा हूं क्योंकि मैंने दीपक ठाकुर के बहन को बोला, दैट स्टुपिड स्पीच शी गेव यस्टरडे, बहुत बुरा लग गया तुम लोगों को, हाँ? तुम लोग उत्तेजित हो गए, हाँ? यू गॉट वेरी एंग्री यस्टरडे, क्यों? दीपिका किसी की बहन नहीं है, मेघा किसी की बहन नहीं है, वो औरतें नहीं है यहाँ पे इस घर में। दीपक ठाकुर तुमने घर जाके एपिसोड देखेगा ना, कभी तेरे घर पे लाइट आ गई तो, तेरे घर पे लाइट आ गई तो जाके देखना एपिसोड बैठ के। जो तू मुंबई आने वाला है ना, तो गाने गाने ना बॉलीवुड में, तो मुंबई आएगा ना बेटा, अभी तेरे भाड़ा भरने की तेरी दम नहीं है तेरे में, मुंबई का लोखंड वाले में भाड़ा कितना पता है, 35-40 हजार, क्या करेगा, टैक्सी चलाना बेटा, टैक्सी में गाने गाना, पीछे पैसेंजर बैठेंगे ना तेरे को 15-20 रुपए टिप दे देंगे, वड़ा पाव खाना बैठ के मुंबई में, कमाल खान पिक्चर बनाएगा ना देशद्रोही दीपक ठाकुर, और जितने भी लोग हैं दीपक ठाकुर के सपोर्टर बैठे हैं ना, उखाड़ना जो उखाड़ लो, अबे चल बे, 3 साल से यूट्यूब पे बैठा हूं, समझ में आया ना, मुंबई में रहता हूं, हाँ, अपना दबदबा है ना आके दिखा के बताना, समझे ना। चल क्या करेगा, ट्वीट करेगा वीडियो, कर ले मजे ले, कर ले बे, कुछ नहीं उखाड़ता बे, हाँ, मैं शाहरुख खान को नहीं छोड़ता हूं, दीपक ठाकुर शाहरुख खान से बड़ा है, हाँ? चल बे, दीपक ठाकुर के फैन, दीपक ठाकुर के सपोर्टर, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, काम करो, जाके बत्तियां लाओ अपने घरों में, पक कहानी आगे बढ़ती है वहां से गाइस। और यहां पर दीपक का सबसे बड़ा चुतियापा, दीपक रो रहा है बाथरूम में जाके, इंग्लिश बाथरूम में रो रहा है जाके, ओ गांव में खेतों में रोता था ना, क्योंकि बाल्टी लेके खेत में आता था हकने के लिए, हमको हग्गू आया है बहिना, हम हगने के लिए जा रहे हैं, अरे बबुआ पानी लेके जाओ भाई, खेतों में बिच्छू काट लेगा, सांप काट लेगा तुम्हारे गांड पे, इंग्लिश बाथरूम मिला है उसको, बास करके आओ अंदर जाके, हैं? ट्रेडमिल पे भाग रहा है, टकला 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 ट्रेडमिल में भाग रहा है, वहां तो खेतों में भागता था ना, अपने गांव में जाके खेतों में भागता था, हाँ, स्विमिंग पूल में कूद लिया, वहां नहार में जाके नंगा नाचता था, बिग बॉस में फ्री की शक्कर, फ्री का खाना, फ्री का दूध, फोकट राम, अबे जिस आदमी ने, पहले पहली बार तो दिमाग खोल के सुनो, जिस आदमी ने उर्वशी को छोड़ दिया, जो मासूम लड़की, क्यों वो लड़की तुम्हारे वहां से नहीं थी, हा? उर्वशी तुम्हारे वहां से नहीं थी, उसके लिए एक बार कभी तुमने वीडियो में कमेंट करके बताया, उस लड़की को रस्ते पे छोड़ दिया, उसको घर से निकलवा दिया, उसकी जिंदगी नहीं थी। यहाँ सोमी खान के साथ नैन मटक्का कर रहा है, यहाँ पे छिछोरी हरकत कर रहा है दीपक ठाकुर, वो तुम लोगों को दिखाई नहीं देता, हाँ? उर्वशी को छोड़ दिया, वो तुमको दिखाई नहीं दिया, हाँ? दीपक ठाकुर के फैंस, माय एस मैन और माय एस। कहानी आगे बढ़ती है यहाँ पे, और गाइस किस तरह से सुरभि राणा बोलती है,
आई एम नॉट अ गुड गर्ल, आई एम अ सर्टिफाइड बैड गर्ल। सुन भी यार, तेरे को तो अलग एपिसोड में लूंगा, आज मूड नहीं है तेरे लेने के लिए। कम ऑन, आई एम अ सर्टिफाइड बैड गर्ल। दे ब्रिंग बैक, ओके गाइस, टास्क में दे ब्रिंग बैक 285,000 दीपक, सुरभि और रोहित। चारों बैठ जाते हैं और चारों में झगड़ा होता है। दीपक बोलता है, सुरभि तुम दोगली हो। रोहित बोलता है, जितने भी हैप्पी क्लब में है मैं अपने लिए खेलूंगा। तीनों जोकर हंसते रहते हैं वहां पर। आज सोमी का जो कटा है ना, बहुत फैंटास्टिक कटा है, सीरियसली बोल रहा हूं। सोमी खान का आज के एपिसोड में कटना बहुत जरूरी था। तुम लोग क्या लगा सोमी खान, तुम ये चार ठुल्लों के साथ घूमोगी, हाँ तुमको वोट्स मिल जाएंगे। यू मेड अ फूल आउट ऑफ योरसेल्फ। और जिस तरह से आज दीपक, सोमी और रोहित के बीच में झगड़ा हुआ है वो होना था, लेकिन इतना बोलना चाहूंगा कि दीपक ठाकुर ने जिस तरह से एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट दिखाई है, माइंड ब्लोइंग। वो बंदा टास्क में इज अ वाइल्ड फायर, द गाय रनिंग दीपक ठाकुर जो भागता है बैग लेकर, सुपर, माइंड ब्लोइंग। टास्क में उस बंदे की बुराई करना मुश्किल है, नामुमकिन है। बैग लेके भागता है, हाँ, और शीशा जा चिल्लाता है, पापा। करणवीर बोरा पोनी टेल। अरे भाई, करणवीर बोरा के बारे में कुछ मत बोलना, अरे उसकी बीवी लेटर लिख देगी यार मेरे खिलाफ, कल ट्विटर पे टैग कर दिया तो मेरे को, अरे टीजे सिद्धू मेरी वाट लगा देगा, मैं डरता रहे उससे। अरे टीजे सिद्धू साइगर वेरी स्कैर, कम ऑन मैन। चलो चलो आगे चलो, लोखंड वाला गैंग, अंधेरी गैंग। अबे मैं मुंबई में रहता हूँ बे, समझ में आया तुम लोग को? ये जो तुम लोग ट्वीट करते हो ना बैठ के गाँव में, खेतों में बैठ के, किसी और को करना जाके, समझ में आया? ये टीवी स्टार है ना, लोखंड वाले में सब्जी में उधार लेके निकल जाते हैं। अंडरस्टैंड दैट, बेटर अंडरस्टैंड। वैसे कहानी आगे बढ़ती है, वहां पे गाइस केवी और रोमिल झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। सोमी खान पागल बन जाती है बीच में। सुरभि राणा रोमिल को बोलती है, तेरे दिमाग में टट्टी भरी है। वाओ, एक औरत एक आदमी को बोल सकती है तेरे दिमाग में टट्टी भरी, लेकिन आदमी एक औरत को नहीं बोल सकता तेरे दिमाग में टट्टी भरती है। वाओ, अगर मैं बोल दूं कि कल दीपिका जो दीपक की बहन है उसके दिमाग में टट्टी भरी है, उसके गांव वाले पूरे आ जाएंगे यहाँ पे, अरे तूने कैसे बोला दीपक की बहन के दिमाग में टट्टी। अरे अंदर दीपक बोलता है, सुरभि राणा बोलती, लेकिन मैं नहीं बोल सकता कि दीपक ठाकुर लेजेंड। ओ माय गॉड, ही इज अ लेजेंड ना, सब पता चलेगा। कहानी आगे बढ़ती है वहां पे। उसके बाद गाइस रोहित और सुरभि अगले हफ्ते के कैप्टनसी का जो टास्क है उसके लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। 19 लाख की जो प्राइज राशि है वो बढ़ के 46 लाख हो जाती है। यहाँ पे सोमी खान तुम आज दीपक से क्यों बात कर रहे हो? क्यों? दीपक गरीब था कुछ दिनों पहले, दीपक की कोई औकात नहीं थी, आज दीपक से भिड़ रही हो क्योंकि तुमको हैप्पी क्लब में निकाल दिया। दीपक ठाकुर का जो प्यार है सोमी खान के लिए वो इतना जेन्युइन है, वो बंदा उसको दिल से प्यार करता है, लेकिन सोमी खान उसकी वाट लगा रही। लेकिन आज किस तरह से वापस से उसके लिए गई, उसके पास बात की, उसने उस पर कंबल रखा, उसको रोता हुआ देख के दीपक ने उससे बात की। आज सोमी खान तुमको दीपक ठाकुर में कांटे नहीं दिखाई दिए, आज दीपक ठाकुर तुमको शाहरुख खान दिख रहा था। दीपक ठाकुर के फैंस, टारगेट करना सोमी खान को टारगेट करो, टारगेट करना है तो करणवीर भोरा को टारगेट करो जो उसको मोहरा बना के इस गेम में खेल रहा है। एप्पल प्लाई क्लब, दीपक, सोमी एंड रोमिल। और जिस तरह से आज दीपक संडास में अपने आप को बंद किया था ना, आज कहां तुम लोग शीशांत की मारोगे? हाँ, जितने भी जो शीशांत की मारते हैं दीपक के फैन क्लब बैठ के, आज जब तुम्हारा टकला संडास में रो रहा था ना, उसको बचाने वाला शीशांत था, करणवीर बोहरा था, ये दो लोगों ने तुम्हारे सुपरस्टार दीपक ठाकुर को बाहर निकाला। हाँ, टकला स्टार दीपक को बाहर निकाल के बचाया, उसको रोने से बचाया। हाँ, सुरभि कहां थी? कहां था रोहित? कहां था पोनीटेल पप्पा? टीजे सिद्धूस हस्बैंड, ओपन लेटर, कहां था वो? नहीं था वो। दीपक ठाकुर को कौन निकाला संडास से? इन लोगों ने निकाले। दीपक ठाकुर फेलियर नहीं ले सकता है, उसके फैंस फेलियर नहीं ले सकते हैं। गाली देते तुम लोगों को, हाँ तुम लोगों कुछ काम धंधा नहीं है सालो, पूरा दिन बैठ के ट्विटर पे अपनी मारते हो, बैठ के क्या समझते हो तुम लोग? हाँ साले, गाली देके डराओगे तुम लोगों को? अबे जाओ बे, निकल,
घर में खाने को खाना नहीं है और गालियां देने के लिए निकले हैं यहाँ पे ताकि दो पैसे कमाओ पे जाके, समझ में आया ना? अपना स्टाइल मत दिखाओ यहाँ पे फटीचर छाप साले। हाँ, उसको दीपक रो रहा है बैठ के, बिग बॉस की प्रॉपर्टी डैमेज कर रहा है। हाँ, क्यों बिग बॉस की प्रॉपर्टी डैमेज करने के लिए यहाँ पे? टी शर्ट निकाल के ट्रेडमिल पे भाग रहा है, स्विमिंग पूल में कूद रहा है, लग गए ना? हाँ, अब तक सर पर छत थी, अब उठ गई, अब होश में आ जाओ, किसका साथ देना किसका नहीं देना है। अगर दीपक ठाकुर को इस शो में रहना है ना, गो विद शीशान, गो विद रोमिल, नॉट विद दिस पोनीटेल पप्पा सुरवीर से दूर ही रहना। तो कह रहा होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो, एपिसोड पसंद आए तो लाइक करो, जितना हो सके एपिसोड को शेयर करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास टाइम भी नहीं है देखने के लिए तुम लोग क्या ट्विटर पे शेयर करते हो। मेरे पास आए आज वीडियोस, मैं फक ऑल मैन, आई डोंट केयर शिट, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग वीडियो शेयर करोगे मेरे को पब्लिसिटी मिलेगी, मैं देखता भी नहीं हूँ ट्विटर, मेरे पास टाइम नहीं है भाई, मैं रात को आके दो तीन वीडियो बना के मैं कल काम पे चले जाता हूँ, आई डोंट केयर अ फक मैन, तुम लोग अपनी बढ़ाओ व्यूज, आई डोंट केयर अ शिट, आई एम डूइंग दिस जस्ट फॉर माई ऑडियंसिस। 80 एपिसोड डन गाइस, बस कुछ ही हफ्तों में बिग बॉस का विनर डिसाइड होगा, बहुत मजा आने वाली है। दीपक ठाकुर, शीशान, दीपिका एंड आई थिंक रोमिल एंड सुरवीर राणा मेरे हिसाब से टॉप फाइव में जाएंगे, आई थिंक सो। लेट्स सी, बिग बॉस जर्नी है, इट्स अ शो मैन, एक शो आता है टीवी पर, हम लोग रात को खाना खाते हैं, देखते हैं बैठ के, वी इंजॉय, वी अब्यूज। मेरा अब्यूज करने का और आप लोगों से कनेक्ट करने का एक ही मतलब है कि आई एम बीइंग वेरी ओपन विथ यू मैन, मैं मेरे मेरी चुनिंदा एक फैमिली, आई डोंट वांट आउटसाइडर्स टू कम एंड पोक एंड निम्बल ओवर हियर। ओके गाइस, तो एपिसोड पसंद है प्लीज सबको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अमन अंसारी साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी टुमारो, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, गुड नाइट।